हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुष्पाज किचन। अभी आम का मौसम चल रहा है तो आज हम आम की बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई तैयार करेंगे, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये मिठाई तैयार करने के लिए हमने दो आम लिए हैं और एक कटोरी चीनी ली है। आम को छील के हमने सारा पल्प निकाल लिया है। अब इसको एक जार में डालेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए, ये हमने स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसको एक पैन में डाल देंगे। इसी पैन के अंदर हम एक कटोरी चीनी ऐड करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करके सिम आंच पे रख देंगे। गैस का फ्लेम हमें एकदम सिम रखना है। और इसको कंटिन्यू हिलाते रहना है। ये देखिए, हमें इसको बहुत अच्छे से पकाना है। कंटिन्यू इसको हिलाते हिलाते कम से कम 20 मिनट तक हमें इसको पकाना है। थोड़ी देर पकने के बाद में हमारा ये पेस्ट थोड़ा गाढ़ा दिखने लगेगा। हमने थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसको थोड़ी देर और पका लेंगे। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा करेंगे। अब एक कोई बर्तन लेंगे जिसको तेल लगा के चारों ओर से ग्रीस कर देंगे, ताकि हम जो पल्प डालेंगे इसमें वो चिपके नहीं। और इसके अंदर सारा पल्प डाल देंगे। ये देखिए, ये सारा पल्प हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसको ऊपर से अच्छे से बराबर करके टैप करेंगे। हमारे इसके अंदर एक भी बबल्स नहीं रहना चाहिए। अच्छे से टैप करके और इसको दो दिनों तक अच्छी धूप में रख देंगे। दो दिन के बाद में देखेंगे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, ये देखिए, और साइड से कॉर्नर भी छोड़ दिए हैं। अब अपनी चॉइस के हिसाब से इसको हम शेप दे देंगे। और ये देखिए, हमारी आम की कतली तैयार हो गई है। हमने दो ही चीजों से घर पे बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई तैयार कर ली है। इस मिठाई को हम काफी दिनों तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपको मेरी मिठाई की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।